गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना अच्छे से सीख लिया था। अब हम उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। क्या है स्टोइकियोमेट्री? अच्छा, नाम जितना टफ है ना, टॉपिक बिल्कुल ही आसान है। हाँ, नाम भले ही टफ है स्टोइकियोमेट्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वन इज स्टोइकियन एंड द सेकेंड वन इज मेट्रन। स्टोइकियन मीन्स एलिमेंट, मेट्रन मीन्स मेजर। इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? एलिमेंट से मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करती है। क्लियर है? तो देखिए क्या है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जब भी आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, ये देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल मेरे सामने है। है बैलेंस या नहीं? नहीं है ना, तो बस यहाँ पर टू लगा दीजिए। देखिए हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2। ठीक है, जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें जो कोफिशियंट होगा, जैसे 3, 2, अगर यहाँ पूछा जाए तो 1 जो कि छिपा हुआ है, तो ये जो 1, 3, 2 है ना, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स कहते हैं। याद रहेगा, सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए क्या है, पहला मोल रिलेशन। अभी जो रिएक्शन था उसको थोड़ा नीचे कर दें। हाँ देखिए, यहाँ से देख के इसकी स्टोइकियोमेट्री से हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? देखिएगा, 1 मोल नाइट्रोजन गैस N2 reacts with 3 moles hydrogen gas and gives, यहाँ 2 कर लीजिएगा ना, क्या ये चले नहीं रहा, 2 moles of ammonia। सही है? देखिए, 1 mole nitrogen gas, ये मान लीजिए 1 mole लिया, तो ये कितना हो गया? 3 mole। ऐसे देखिए 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो इनका रेशियो क्या आ गया? 1:3:2। यानी आप कह सकते हैं जब 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होगा तो हमें क्या करेगा? 2 मोल अमोनिया देगा। सही है? समझ में आ रहा है? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो हमें क्या मिलेगा? 2 मोल अमोनिया मिलेगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है? यहाँ जो छोटे छोटे करेक्शन है उसको कर लीजिएगा, यहाँ देखिए 2 मोल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोल रिलेशन हो गया, मास रिलेशन। अगर हम मास की बात करें तो बताइए कितना मास आएगा इसका? 14 × 28 ग्राम मोलर मास में अगर डील करें तो, ये देखिए हाइड्रोजन के 6 यानी कि 6 ग्राम अमोनिया 2 है ना, तो इसका 14 × 17 × 34। तो इसका हम मास रिलेशन भी बना सकते हैं। देखिए क्या, वेन 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस reacts with 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस वी गेट 34 ग्राम अमोनिया। सही है? जब मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस होगा और इसका रिएक्शन हम 6 ग्राम हाइड्रोजन से करेंगे तो हमें कितना मिलता है? 34 ग्राम अमोनिया गैस मिलेगा। बात सही है? देखिए, पहला हमने मोल रिलेशन देख लिया, दूसरा हमने मास रिलेशन देख लिया। मास रिलेशन में यहाँ करेक्शन करना होगा आपको, 2 × करके ये कर लीजिएगा 34 ग्राम। ठीक है, देखिए वॉल्यूम रिलेशन सेम है। क्या रेशियो था? 1:3:2। तो बताइए, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस एंड इट गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या था? N2 रिएक्ट्स विथ 3H2 एंड गिव्स 2NH3। जब आप 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस लेंगे तो 3 वॉल्यूम का लेना होगा हाइड्रोजन गैस और आपको क्या मिलेगा? 2 वॉल्यूम अमोनिया। हम वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं? हम लीटर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम के ढेर सारे यूनिट है, मीटर क्यूब है, लीटर है, डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर, तो आप कुछ भी लीजिए, कोई भी यूनिट, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि बताइए 5 लीटर नाइट्रोजन में
5 लीटर नाइट्रोजन गैस में कितना हाइड्रोजन गैस मिलाएं कि हमें 10 लीटर अमोनिया मिलना चाहिए। तब पहले रिएक्शन लिख लेंगे। आप देखेंगे रिएक्शन में क्या रेशियो है, 1:3 का रेशियो है ना। अगर ये 5 लीटर लिया आपने तो ये कितना रहेगा फिर, 15 लीटर। बात समझ में आ रही है। चलिए और इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। देखिए N2+3H2 gives us 2 times of ammonia। ये हमारा रिएक्शन, सब गैस है। अब देखिए मान लीजिए हमसे कह रहा है, ठीक है, कि अगर आपके पास 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, कितना 30 ग्राम, तो बताइए आपको नाइट्रोजन गैस कितना चाहिए। रेशियो देखिए क्या है, 1:3:2। जब ये 3 है तो हमें 1 चाहिए ना। तो 3 को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा। तो 30 में कितना चाहिए हमें, 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस चाहिए। कैसे पता चला हमें, डिवाइड करके। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, देखिए क्या दिया है, 3 ग्राम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ना, गिव्स यू 1 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। जब ये 30 ग्राम होगा तो बताइए क्या करें, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 ग्राम, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 ग्राम। देखिए यही आएगा 10 ग्राम, एक चीज। दूसरी, अगर ये आपको 30 पता है तो ये आपको 10 निकालने आ गया। आप अमोनिया भी बता सकते हैं कितना बनेगा। देखिए यहाँ से आसान है, 1:2 का रेशियो है, यानी कि अगर ये 10 ग्राम है नाइट्रोजन गैस तो बताइए अमोनिया कितना मिलेगा हमें, 20 ग्राम मिलेगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। यानी कि ऐसे छोटी छोटी डेटा देख के आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेगा तो आपको ये सब चीज़ें निकालने आनी चाहिए। तो स्टोइकोमेट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रिलेशन से हम दूसरी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं उसकी कितनी अमाउंट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते आगे। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व्ड। हमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी रिलीज होगी एट 180 एंड 273 केल्विन ऑन हीटिंग। देखिए ये 180 273 केल्विन हमें क्या बारे में बता रहा है, STP दिया है, हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP पे। अगर हम STP पे मोलर वॉल्यूम बोल लें तो कितना आता है, 22.4 लीटर, ठीक है। खैर देखिए, ऑन हीटिंग 0.2 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन क्या है, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट भी जब आप हीट करते हो तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा ना, बैलेंस कर लीजिए। आई थिंक ये तो पहले से ही बैलेंस है ना। तो बस रेशियो लिख लीजिए, 1:1:1, सही है। तो बस देख लीजिए यहाँ से हम क्या निकाल लें, अब अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिलेगा, क्लियर है। तो कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो पता ही नहीं, हमें तो मास दिया है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना, 0.2 किलोग्राम, इसको क्या बनाएंगे, ग्राम, कितना हो जाएगा, 200 अपॉन मोल्स, किसे निकाल रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो मोलर मास में किसके लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के। देखिए कैल्शियम का 40, कार्बन 12, 52, ऑक्सीजन का 16, 3 या 48, सॉल्व करेंगे तो वो आता है 100, कितना आ गया, 2 मोल्स। तो बताइए अगर 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हैं आपके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना रहेगा, 2 मोल, सही है। यहां से आपको मोल्स मिल गया। हमारा आंसर सिर्फ मोल्स नहीं है, हमारा आंसर क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है, हमें मोल्स पता चल गया 2 है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला था हमारा, मोल्स इज इक्वल टू, या फिर
सिंपल सा आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए ना। चलिए दोनों ही बता देंगे। फिलहाल देखिए एन इज इक्वल टू टू, जब मोल्स पता हो और वॉल्यूम निकालना है हम क्या करते हैं, टू इंटू मोलर वॉल्यूम। तो टू इंटू एच टी पी पे कितना लेते हैं, 22.4 लीटर। सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा, 44.8 लीटर आ गया आंसर। किधर गया आंसर, नीचे दिया होगा ना, देखिए 44.8 लीटर। ये तो रहा शॉर्टकट, जो कि हम आपको इसीलिए कहते थे आप अपनी चीज़ों को एक फ्लो चार्ट में याद रखिए, ना कि फॉर्मूला से याद करिए। चलिए कोई बात नहीं, जिनको फॉर्मूला से याद है वो भी देख ले। n इज इक्वल टू, हमें इसमें वॉल्यूम के साथ डील करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, गिवेन वॉल्यूम अपॉन, हाँ एच टी पी में जब हम 1 एटीएम लेते हैं तो मोलर वॉल्यूम कितना लिखते हैं हम, 22.4 लीटर। देखिए गिवन वॉल्यूम नहीं पता हमें, एन की वैल्यू 2 पता है आपको, इसको वी लिख लीजिए, इसको 22.4, वी की वैल्यू निकाल लीजिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 22.4 इंटू 2, जो कि कितने आती है, 44.8 लीटर। अगर अभी भी आप ऐसे कर रहे हैं तो सच मानिए आगे आप स्लो हो जाएंगे। रीजन, हम ये चैप्टर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे के चैप्टर्स में थोड़ी स्पीड कवर करें, इतनी स्लो चलेंगे तो कभी सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, ये टेंथ की केमिस्ट्री नहीं है, बात समझ में आ रही है। हाँ अभी आपके कितने 13 लेक्चर खत्म हो गए ना, अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये पूरा महीना निकल जाएगा। आज कितनी तारीख है, 25, आराम से पूरा मई निकल जाएगा लेकिन चैप्टर फिनिश नहीं होगा। इसका मतलब क्या, हमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको मोल्स दिए गए हैं और मोल से कुछ भी निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अगर आपको मोल्स ही निकालने हैं तो हमेशा क्या करिए, डिवाइड करिए, सही है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, अब होमवर्क आपके सामने है, आप इसको चाहे तो फोटो खींच लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ तो ग्रुप में मिल ही जाएगा, वहाँ से कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ध्यान रहे, यूनिट्स का बड़ी खेल है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर समझ लीजिए सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए हमारा अच्छा सा टॉपिक आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है ये लिमिटिंग रिएजेंट? देखिए रिएजेंट का मतलब, हाँ रिएक्टेंट्स, और लिमिटिंग का मतलब कंट्रोल करने वाला। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास, अच्छा आपने कार्बन के दो केस पढ़े ना, कम्बस्टन, आपको क्लास में कई बार हमने बता रखा है, हाफ कम्बस्टन फुल कम्बस्टन। हाफ कम्बस्टन में क्या मिलता हमें, बहुत अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड, फुल कम्बस्टन में कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा आपने कभी ये सोचा वो हाफ कम्बस्टन क्यों होता है, वो पूरा क्यों नहीं जलता? यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात को कंट्रोल करती हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होगा, हाफ होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, कितना होगा, ये चीज़ भी कहीं से कंट्रोल होती है। जो कंट्रोल करता है ना उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का मतलब जो रिएक्शन को फर्दर रोक सके, यानी कि आगे न जाने दे, वो है लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट। यानी कि वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को आगे जाने से रोक सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा मतलब है। देखिए मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन खत्म हो गया पहले ही, कार्बन आधा जला तब तक ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई, तो क्या बताइए बिना ऑक्सीजन गैस के कार्बन जल सकता है? बिना ऑक्सीजन गैस के तो कुछ भी नहीं जल सकता, माचिस भी नहीं जलेगी, कार्बन कैसे जलेगा? तो इसका मतलब कार्बन जितना जला था उतना जला, बाकी बंद हो गया। हाँ तो इसमें कार्बन का जलना किस पे डिपेंड किया, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कार्बन पूरा जलेगा, आधा जलेगा, आधा से ज़्यादा या आधा से भी कम, बात समझ में आ रही है। तो ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे किस तरह काम करता है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। कैसे, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह।
अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये हम हैं, ठीक है, और डेली का मेरा डोज है, हंसी है कि नहीं, किसी को हंसने की जरूरत नहीं है, हमें पता है मेरी ड्राइंग खराब है, तो कोई बात नहीं, ड्राइंग थोड़ी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना। देखिए ये हम हैं, आप मान लीजिए हम डेली का डेली 50 रोटी खाते हैं, कितने 50। अच्छा सच में इतना खाते हैं तो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं ना, मोटे हो गए। खैर मान लीजिए हम 50 रोटी खाते हैं, तो सिर्फ रोटी तो खाते नहीं होंगे, 50 रोटी खाने के लिए हमें 10 कटोरी सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, 50 रोटी खाने के लिए 10 कटोरी सब्जी चाहिए हमें। तो आप हमें बताइए कि एक कटोरी सब्जी में हम कितने रोटी खाते होंगे, 5 रोटी खाते होंगे ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अचानक से सब्जी हो गई बड़ी कम, ये तो मेरी डेली डाइट थी, हम डेली का डेली इतना खाते हैं, खाते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुई, बस हमें मिली 2 कटोरी सब्जी, कितनी 2 कटोरी सब्जी, रोटी आज भी 50 ही मिली है लेकिन सब्जी मुझे 2 कटोरी मिली है, आप बस हमें ये बताइए क्या आज हम 50 रोटी खा पाएंगे या नहीं, सोच के बताइएगा। हाँ अच्छा, हमको भुक्कर थोड़ी समझ रखे हैं, मतलब कुछ भी खाएंगे नहीं ना, अगर सब्जी खत्म हो जाएगी तो रोटी थोड़ी खाएंगे ऐसे ही, तो आज हमें बताइए क्या आज हम 50 रोटी खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो मेरा आज का खाना, आज की डाइट किस पे डिपेंड किया, सब्जी पे, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। अब बात को समझिए थोड़ा सा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो जाता है, और अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं पर रुक जाती है, यानी वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है, ये तो रही लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा इस केस में जब हमें 50 रोटी और 2 कटोरी सब्जी मिला है तो ये तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बताइए क्या ज़्यादा हो गया इस दिन, हाँ ब्रेड ज़्यादा हो गया ना, तो इसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, क्या कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा हो गया, जरूरत से ज़्यादा, ध्यान समझिएगा, 50 ब्रेड खाने के लिए 10 कटोरी सब्जी चाहिए थी, जिस दिन मुझे 2 कटोरी सब्जी मिलेगी हम 50 ब्रेड कभी भी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, यानी कि इस दिन मेरे लिए ब्रेड ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, कम क्या पड़ गया सब्जी, तो ये हो गए हमारे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का किस्सा समझ में आ गया होगा एक्चुअली क्या है, हाँ चलिए वो सब काल्पनिक बातें थी, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, हम इतना नहीं खाते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन दिया, इट इज़ अ रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये वो रिएजेंट है जो कि रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाता है, सही है। आगे देखिए, वट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट में रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी ऑलवेज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट विच इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम प्रोड्यूस प्रोडक्ट, अभी इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लें। तो देखिए यानी कि आज जिस दिन 2 कटोरी सब्जी बची है उस दिन हम कितनी रोटियां खाएंगे ये किस पर डिपेंड करेगा, हाँ उस सब्जी पर डिपेंड करेगा, तो सब्जी लिमिटिंग रिएजेंट, मेरा खाना उस पर डिपेंड करेगा। अब खाने के बाद हमें क्या मिलता है, एनर्जी, इतना तो बायो सबको आता है ना, चलिए तो वो एनर्जी आज मुझे कितनी मिलेगी ये किस पर डिपेंड किया, लिमिटिंग रिएजेंट पे, यानी कि हाँ जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के टाइम में, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे, सही है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो कि रिएक्शन होने से नहीं, रिएक्शन खत्म होने से पहले ही फिनिश हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपको सिखाई जा रही है वो ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि जब लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी,
तो रिएक्शन रुकेगी उससे पहले कुछ तो प्रोडक्ट बन चुका होगा। जितना प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। क्या बोलते हैं हम उसको? मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, यानी कि अब उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। कब बना सकते हैं? जब लिमिटिंग रिएजेंट मेरा बढ़ जाए तब बना सकते। जैसे कि दो कटोरी के बजाय कोई और एक कटोरी ला के दे दे पड़ोस से, करे लो भाई एक कटोरी और मिल गया पड़ोस से। तो मान लीजिए उस दिन हम 10 रोटी खाए थे तो 5 रोटी और खा लेंगे एक कटोरी सब्जी के साथ। तो वो चीज़ किस पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे। अगर मुझे सब्जी नहीं मिली, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट नहीं मिला, तो मेरी रिएक्शन वहीं पे रुक जाती है। बात समझ में आ गई अब? हाँ, यानी कि आज के बाद अब जब भी रिएक्शन मिलेंगे हमें चेक करना पड़ेगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उतना प्रोडक्ट बने ही ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पहले ही फिनिश हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। अदर रिएक्टेंट लेफ्ट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। देखिए, जो लिमिटिंग रिएजेंट के बाद बचा अदर रिएक्टेंट लेफ्ट जो बचा रह गया वही हमारा क्या है? एक्सेस रिएजेंट। मेरे एग्जाम्पल में एक्सेस रिएजेंट कौन था? ब्रेड था। ठीक है, चलिए। वेन अमाउंट्स, अमाउंट्स में कौन कौन हो सकते हैं? हाँ, मोल्स हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर गिवेन। हाँ, जब दो रिएक्टेंट्स के मास, वॉल्यूम या मोल्स दिए हुए हों, देन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा एंड फॉर्म द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके बाद जो प्रोडक्ट आप बनाइए वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब प्रोडक्ट हम कुछ भी बना दें, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अब आपको समझ में आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बन जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऑक्सीजन गैस लिमिटिंग रिएजेंट हो, पहले ही खत्म हो जाती हो, कार्बन आधा जलता हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता हो। चलिए, अभी और भी चीज़ें हो जाएंगी, आप देखते चलिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको क्लियर होता जाएगा, क्लैरिटी मिलती जाएगी। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? यानी कि किसी भी रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, ये फिक्स नहीं है। किसी रिएक्शन में हो सकता है आपको ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट मिले, तो किसी रिएक्शन में हो सकता है कार्बन खुद ही लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हम रट नहीं सकते हैं। हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए कि किस केस में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आइए देखते हैं। पहला स्टेप, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, ये तो हम लोग 10th में आराम से सीखे थे। पहला काम, इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर लीजिए। दूसरा, डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। हाँ, जो रिएक्शन आपने लिखा बैलेंस्ड उसके मोल्स को उसी के रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है उससे डिवाइड करिए। तीसरा, द लीस्ट वैल्यू विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी वैल्यू एकदम छोटी आएगी वही वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग रिएजेंट होती है। खैर, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। फिर भी आप तीन चीज जानते रहिए। कौन सी? पहला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा, जिसने भी मोल्स दिए हैं उनको उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तीसरा, जो वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वही है हमारी LR। LR बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, एग्जांपल है मेरे सामने, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया है, 48 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन और हमें मिला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो देखिए, हमारा एल आर लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट पार्ट में ही होता, प्रोडक्ट में तो होता नहीं है, उसको छोड़ दिए, इन्हीं को चेक करना है। तो ठीक है, हम इसको एक काम करते, पीछे नोट कर लेते हैं, यहाँ तो आप कॉपी कर लेंगे। 48 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। पहले इक्वेशन को बैलेंस लिखना था, तो देखिए, कार्बन रिएक्ट्स विथ O2 टू गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ 2 से बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 से कर लीजिए,
मोनोऑक्साइड बन रहा था ना। हाँ ठीक है, सही है, यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। अब देखिए मोल्स की बात करते हैं, 48 ग्राम कार्बन है तो कितना मोल हुआ निकालना पड़ेगा ना। देखिए कार्बन के कितने मोल आएंगे, गिवेन मास अपॉन मोलर मास, तो 48 डिवाइडेड बाई कार्बन का मोलर मास कितना, 12, 4 आ गया। ऑक्सीजन का बताइए, गिवेन मास कितना है, 32 ग्राम अपॉन मोलर मास, O2 का मोलर मास कितना आएगा, 32, यानी कितना आ गया, 1। सही है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अभी तो हमें क्या निकालना है, हाँ अभी इन मोल्स को इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। 4, इसका कोएफिशिएंट कितना, 2, 4 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 2, ये देखिए 1, इसका कोएफिशिएंट कितना, 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 1, तो ये 2 और 1 में वैल्यू किसकी छोटी है, 1 की, यही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज आवर एल आर लिमिटिंग रिएजेंट। बात कुछ कुछ समझ आ रही है, हाँ चलिए देखिए, पहले आपने रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लिया, उसके बाद आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, कहाँ से, मास से। अब देखिए आगे, कुछ डिटेल्स दिए गए हमारे सामने, आप चाहें तो जैसे समझे आप वैसे करिए, या फिर नोट में जैसे लिखा गया आप वैसे भी कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना सीख लिए हम, ऑक्सीजन आ गया। अब देखिए क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मेरा प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट दोनों की अमाउंट किस पर डिपेंड करेगी, हाँ इसी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखिए जब आप पे एक मोल ऑक्सीजन होगा तो देखिए क्या दिया, यूज्ड 2 मोल्स कार्बन, देखिए 2 मोल कार्बन यूज हो रहे हैं आपके, 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है और 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज बन रहा है। खैर उसको छोड़ दिए, जो बन रहा है उसकी क्या बात करना, लेफ्ट कितना बच गया, देखिए 4 मोल थे इसमें 2 मोल तो आपके यूज हो गए, कितना बचा, 2 मोल बच गया और 1 मोल ऑक्सीजन था वो पूरा यूज हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट तो वैसे भी नहीं बचता है, लिमिटिंग रिएजेंट वही तो रिएक्टेंट है जो कि सबसे पहले ही खत्म हो जाता है, खत्म हुआ तो बचेगा कहाँ, 0। अब देखिए टोटल फॉर्म्ड प्रोडक्ट कितना बना, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बराबर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है, नहीं है। अब देखिए कार्बन, 2 मोल कार्बन यूज हुआ होता यानी कि कितना ग्राम हो गया, 24 ग्राम। मास निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी बताया ना, मोल से जब मास निकालना हो तुरंत मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो 2 गुणे कार्बन का मोलर मास कितना, 12, 12 टू जा 24 ग्राम। अब देखिए कितना बचा, 2 मोल, वो भी फिर से 24 ग्राम आ गया। प्रोडक्ट कितना बना, 56 ग्राम। अगर हमसे पूछ ले कि कितना बचा कार्बन तो 24 ग्राम, कितना जला कार्बन तो भी 24 ग्राम, और कितना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा, दैट इज 56 ग्राम। खैर ये सब वैल्यू के पीछे आपको परेशान नहीं होना है, ये वैल्यू तो आप आराम से मोल से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट मतलब समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है ये। पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उसके बेसिस पे सबका प्रोडक्ट बनाना है, बाकी जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है। चलिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लेफ्ट मिक्सचर क्या क्या बचा रह गया, 24 ग्राम कार्बन और 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड अभी जो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं, जैसे हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। देखिए क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 व्हेन 372 ग्राम ऑफ फास्फोरस
रिएक्ट्स विथ 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बताइए पहला स्टेप क्या होता है? हाँ, रिएक्शन लिखना, दैट इज पी फोर रिएक्ट्स विथ ओ टू टू गिव्स अस पी फोर ओ टेन। फिर क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, पी फोर तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये दिया हमें 372 ग्राम और ये दिया हमें कितना, 360 ग्राम। आगे सॉल्व करने से पहले मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना। तो कर लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट चेक। उसके लिए क्या करना होगा, मोल्स निकालना होगा। निकाल लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास पी फोर, एक फास्फोरस एटम का 31 होता है, फोर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 124 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 3। फिर इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं। इसका रिएक्शन कोफिशियंट 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट को ही रिएक्शन कोफिशियंट कह रहे हैं हम। डिवाइड करेंगे फिर से कितना आ गया, 3 ही रह गया। चलिए ऑक्सीजन के लिए डील करते हैं। पहला काम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। गिवन मास कितना है, 360 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन कितने का दिया है, O2 ले रहे हैं ना, O2 को कितना होता है, 32। पक्का? कैलकुलेशन कैसी गड़बड़ हो रही है। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन में 320 ग्राम दिया है। चलिए सो डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 10 मोल्स। अब हम क्या करेंगे, इसी को इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कितना है, 5। 5 से कितना आ गया, 2। अब देखिए अगर मोल से डिसाइड करते हैं तो आपके कितने मोल से यहाँ आए थे, 3, यहाँ कितना आया था, 10। तो आप देख के कहते हैं सर पी फोर क्या है, फॉस्फोरस हमारा एल आर है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मोल्स को देख के नहीं बता सकते। आप जब मोल्स को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, आने वाली वैल्यू से आप डिसाइड करेंगे कौन एल आर है। ठीक है, तो बताइए छोटी वैल्यू कौन हो गई, 2। ये है हमारा एल आर, बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है ना। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखिए जब हम 5 मोल्स ऑक्सीजन लेंगे, कितना, 5 मोल्स ओ टू, तो बताइए एक मोल क्या मिलेगा हमें, पी फोर ओ टेन मिलेगा। तो रिएक्शन की शक्ल देख के बता सकते हैं। हाँ, स्टोइकोमेट्रिक का मतलब शक्ल है, रिएक्शन का शक्ल देख के बताइए, 5 मोल्स ऑक्सीजन, एक मोल पी फोर ओ टेन देंगे हमें। चलिए टोटल ऑक्सीजन के कितने मोल्स आए थे, निकाले थे ना हम लोग, कितना आया था, 10 आया था। तो बताइए 10 मोल ओ टू कितना देगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा क्या, उसी तरह 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मोल पी फोर ओ टेन। ध्यान रहे ये क्या हमारा मोल है, हमसे अमाउंट पूछे नहीं, मास, मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, मोलर मास से। तो पी फोर ओ टेन का मोलर मास देखिए कितना आएगा, पी फोर को हो जाएगा कितना, 124 और ओ टेन का 160 यानी 284, मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए कितना आ जाएगा, 865, हाँ 568 ग्राम आंसर आएगा, सही है। ये तो रही बात, क्वेश्चन जितना पूछा था उतना, अब क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बताओ भाई पी फोर कितना बचा, जाहिर सी बात है ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये एक्सेस रिएजेंट होगा यानी ये बचा होगा, पूछेगा बताओ कितना बचा, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखिए बताइए 5 मोल्स ऑक्सीजन के लिए एक मोल पी फोर यूज हुआ है, सब मोल में लगा लीजिए, हुआ ना। तो बताइए 10 मोल्स ओ टू के लिए कितना पी फोर यूज हुआ होगा, 5 × 2 यानी कि 2 मोल पी फोर यूज हुआ होगा। ठीक है, अच्छा टोटल कितने मोल आए थे, 3 मोल्स आए थे ना, 3 मोल से 2 मोल्स तो यूज हो गए, तो कितना बचा, लेफ्ट 1 मोल पी फोर। अगर हमसे मास पूछ लेगा बताओ कितना बच गया मास, तो 1 ×
P4 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 124। पक्का ना? हाँ ठीक है, तो हो जाएगा 124 ग्राम, ये बच जाएगा। अगर हमसे पूछना बताओ कितना फास्फोरस जल गया, बता सकते हैं कितना फास्फोरस जला भाई? 2 मोल, तो 2 × P4 की वैल्यू कितनी होगी? 124। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगी? 248 ग्राम, यानी 248 ग्राम फास्फोरस तो जल गया, बाकी 124 ग्राम फास्फोरस वैसे ही बचा रह गया, वो जला ही नहीं। चलिए आंसर देख लीजिए आप, चलिए यहाँ नहीं दिया, तो मोल्स निकाले हैं। तो ये 5 मोल्स O2 में, 1 मोल P4O10 मिलेगा, तो 1 मोल O2 में 1/5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिए, तो 10 मोल्स के लिए क्या करेंगे? 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना आ गया, 2 मोल P4O10। तो मास कैसे निकालते हैं? mole × molar mass। सॉल्व कर दिए, देखिए 568 ग्राम, इतना ही आया था। हाँ सही है, ये रहा अब आपका होमवर्क, ये आप करेंगे। कितना, 2 क्वेश्चन, अच्छा है, कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क ही रहेगा। अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर आप हमें बताएंगे। इसको हम छोटा कर देते हैं ना, अभी भी नहीं हुआ। चलिए ये 3 पार्ट है क्वेश्चंस के, आप एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।